सपोर्टिंग डिवाइस है, ये सीबीसी के नीचे पड़ी हुई है ना, जो पार्ट्स चार वोल्टोज है, ये सपोर्टिंग डिवाइस है, इसमें स्प्रिंग लगी हुई है 1, 2, 3, 4, तो इसको देखते हैं कि स्प्रिंग कहीं टूटी तो ना है। ठीक है, इस बार ये इसके नीचे जो ये क्लीन करके यहाँ थोड़ा ग्रीस लगाते हैं। अच्छा, इस जगह पे यहाँ था ये, जैसे गाड़ी हिलती है तो ये मोमेंट कर सके। ठीक है, इसके बाद जैसे रूट रेडियस हो गया, शार्प हो गया, इसमें एक सेलिंग मार्क आता है, सेलिंग मार्क देखेंगे, यानी पूरी प्रोफाइल देखेंगे, प्रोफाइल चेक करेंगे। हाँ, पूरी व्हील प्रोफाइल में खराबी आती है, सारी इसमें चेक करेंगे, सारा देखेंगे इसमें। ठीक, सब व्हील प्रोफाइल देखने के बाद फिर इधर आ जाएंगे, इसमें सारी जो ये प्राइमरी स्प्रिंग है ये देखेंगे, सोकर देखेंगे, लीकेज तो नहीं है। अच्छा, ये जो प्राइमरी सोकर है ये लीकेज तो नहीं है। अच्छा, ये देखने के बाद फिर आएंगे स्प्रिंग में, स्प्रिंग ये आउटर इनर जो भी है कहीं टूटी तो नहीं है, वहाँ से आ जाएंगे। यहाँ इसमें ये इन्फेक्शन बोल्ट है, इन्फेक्शन बोल्ट है, इसको खोल करके और जो ये डब्ल्यू एस पी का जो ये स्पीड सेंसर लगी हुई है इसमें अंदर खोलेंगे तो एक फोनिक व्हील लगी हुई है। अच्छा, इसके अंदर। ठीक, तो फोनिक व्हील और ये जो सेंसर है इसको कहते हैं प्रोब। इन्फेक्शन बोल्ट जब खोलेंगे ना तो फिलर गैस से इसको हम माप के देखेंगे। ठीक, इसका जो गैप है तो गैप ये कंपनी दो कंपनी बनाती है, एक सैब है एक नोर है। अच्छा, तो नोर का होता है 0.9 से 1.4 mm, आज सैब का होता है 1 mm से 2 mm, तो इसको हम यहाँ इन्फेक्शन बोल्ट से खोल करके फोनिक व्हील और प्रोब के बीच की दूरी हम देखते हैं कि मतलब कितना है, अगर ज़्यादा है या कम है, या सिम लगती है। यहाँ देखते हैं इस सिम को, इसको खोल करके और इसमें सिम हम डाल करके कम या ज़्यादा करते हैं। अच्छा, ठीक, इतने होने के बाद फिर हम यहाँ आते हैं, ये क्राउन बोल्ट कंट्रोल आर्म। अच्छा, इसको हम 170 Nm पर सब टॉर्क भी कर दें इन बोल्टों को। ठीक है, कंट्रोल आर्म हाउसिंग जो है 170 Nm पे हम इसको टॉर्क करेंगे। इसके बाद आएंगे यहाँ, ये जो एक कंट्रोल आर्म, कंट्रोल आर्म में यहाँ यहाँ गैप आ जाता है, ये जो है ना, ये यहाँ गैप आ जाता है। अच्छा, इसको देखेंगे, यहाँ गैप तो नहीं आया, गैप आएगा तो पता चलेगा मैं जंग आ जाता है यहाँ। अच्छा, उससे पता चलेगा यहाँ गैप आ गया है, तो इसको निकाल करके फिर हम पैकिंग सैकिंग लगा दें जो भी है। इनके चार बोल्ट ये भी देखेंगे, लूज तो नहीं है ये जो लगे हुए हैं, ये रिपीट जो लगी लगी कि नहीं लगी, ये देखिए। अब यहाँ से आ जाइए, ये बोगी बोटी कनेक्टिंग रॉड है, ये बोगी बोगी और बॉडी कनेक्टिंग रॉड, ये भी टूट मतलब चेक करेंगे कहीं टूटा तो नहीं है, लूज तो नहीं है, ये हिलता है, हिल जाता है, ढीला हो जाता है, इसको टाइट करेंगे। यहाँ से आएंगे, ये सेकेंडरी सोकर है, सेकेंडरी सोकर भी ये भी देखेंगे लीकेज है कि नहीं है। इसके बाद आएंगे स्प्रिंग पे, जो स्प्रिंग है, और ये डोम है, डोम में भी यहाँ जो पत्ती लगी है ना, यहाँ करेक्ट हो जाता है, टूट जाता है, तो इसको देखेंगे, यहाँ मतलब ये टूटा तो नहीं है, करेक्ट तो नहीं है। वहाँ जाकर स्प्रिंग देखेंगे, इसमें आउटर इनर दोनों है, दोनों स्प्रिंग को देखेंगे कहीं टूटी तो नहीं है। इसके बाद आएंगे इधर, आओ, ये आडम्पर है, ये आडम्पर ये भी यहाँ देखेंगे मतलब लीकेज तो नहीं है, और यहाँ क्रैक हो जाता है, ये इस जगह ना यहाँ क्रैकनेस मिलता है, इसको देखेंगे, क्रैक है बदल देंगे। इसके बाद आएंगे, वही प्रोसीजर है उधर का, ये कंट्रोल आराम हो गया, ये सारे हो गए, अब अंदर आओ, ब्रेक डिस है, इसकी देखेंगे यहाँ इधर इस तरफ, यहाँ से क्रैक हो जाता है, ये यहाँ से ब्रेक, हाँ ये चीज़ देखेंगे कि यहाँ से क्रैक तो नहीं है, कहीं क्रैक नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखेंगे जो ये लगी है पत्तियाँ ही लगी हैं, ये इसको देखेंगे कहीं टूटी तो नहीं है, अगर एक टूट गई है तो चला देते हैं, अगर साथ में दो टूटी हुई हैं, एक और दो एक साथ अगर टूट गई तो इसको हम डैमेज कर देंगे, कटवा देंगे, हाँ कटवा देंगे। इसके बाद आइए यहाँ, ये यहाँ इसमें बोल्ट लगे हुए हैं, ये जो बोल्ट लगे हैं इसको देखेंगे कि सारी लूज तो नहीं है, लूज जो लूज होगा वहाँ ये जंग आ जाएगा, यहाँ जंग से पता चलता है हमें, यहाँ जो लूज होगा जंग आ जाएगा। ठीक, इसके देखने के बाद फिर यहाँ आओ अंदर, ये है ब्रेक कैलिपर,
ब्रेक कैलिपर है, ये ब्रेक सिलेंडर है और ये ब्रेक पैड है, ये जो लगा हुआ है। इसको देखेंगे थिकनेस 7 mm तक है इसका स्टैंडर, 33 mm स्टैंडर है और कंदम 7 mm तक। इसको देखेंगे थिकनेस क्या सही है कि नहीं सही है। इसके बाद जो इसका गैप है 1 से 1.5 mm, यानी डिश और इसके बीच की दूरी जो है उसको देखेंगे कितना है 1.5 mm। इसके बाद ये पूरी कैलिपर को क्लीन करेंगे वायर ब्रश से। क्लीन करने के बाद फिर किरेसन ऑयल और उसमें थोड़ा सा लुब्रिकेट बनाने के लिए सर्वो 68 डाल करके, और इसमें हम तेल डालते हैं। ये इसलिए डालते हैं कि जैसे मान लो 3 kg का प्रेशर आता है ब्रेक सिलेंडर में, 3 kg का ब्रेक तो लग गया, कितना भी ताकत लगा करके ब्रेक तो लग जाएगा, लेकिन उसको रिलीज तो होना चाहिए। रिलीज डीवीसी तो हो जाएगा, लेकिन क्या पता यहाँ से जाम हो जाए, जाम हो जाए, जाने को तो चला गया ताकत लगा करके, लेकिन रिलीज होने में वो कोई दिक्कत ना हो, इसलिए इसको क्लीन करके हम लुब्रिकेट बनाने के लिए इसको मोमेंट करे सही से, इसलिए हम तेल डालते हैं। ठीक है, इसके बाद आइए इधर, ये एंकर लिंक इसका बोल्ट देखते हैं, और ये है सेंटर पिवट। सेंटर पिवट में ये होता है बम्प स्टॉपर। बम्प स्टॉपर दो है सेंटर पिवट पे, एक है लेटरल और एक है ट्रैक्शन। ट्रैक्शन आमने सामने और लेटरल दाएं बाएं। ठीक है, इसमें हम गैपिंग देखेंगे यहाँ 6 से 13 mm ये जो है, और इसका जो दोनों तरफ है एक तरफ 25 mm, 25-25 दोनों होता है, तो वैसे तो 22 mm तक मतलब वो है, लेकिन यहाँ 10 mm तक हम चलाते हैं। 10 mm तक देखेंगे कि एक तरफ से शिफ्ट जो हो गया हो, कि शिफ्ट ना हो गया हो, अगर 10 mm अगर रह गया तो हम वो करते कंडम कर देते हैं। इसको हम फिर कटवा करके फिर इसको हम ठीक करने के लिए हो जाता है जी। ये इसलिए होता है कि मान लो कि अगर एक तरफ से यहीं से हमें पता चलता है कि जो बोगी जो है और बॉडी से थोड़ा एक तरफ झुक गई है, इसको ठीक करने के लिए हम वहाँ लग जाते हैं सिकलाइन में, वहाँ लिफ्टिंग करके फिर इसमें पैड बदलते हैं। जो सेकेंडरी स्प्रिंग है, सेकेंडरी स्प्रिंग पे हम ऊपर नीचे का पैड बदल देंगे, नया डाल देंगे, तो ये बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। इसको देखने के बाद फिर आ जाएंगे ये एंट्री रोल वार। ये है एंट्री रोल वार, ये जो हमारे जो ISF की गाड़ी में इक्लाइजिंग स्टीराट जो होता है जो काम करता है वो वही काम ये भी करता है, वो इक्लाइजिंग स्टीराट है और यहाँ इसको एंटी रोल वार लगा दिया गया। इसी में एक है एंटी रोल वार लिंक, ये रहा एंटी रोल वार लिंक लगा दिया गया। इसके जस्ट सामने ये बम्प स्टॉपर सेकेंडरी, एक तो बम्प स्टॉपर सेंटर पिवट का हो गया और दूसरा हो गया बम्प स्टॉपर सेकेंडरी, ये रहा। इसका जो है 90 से 95 mm इसका होता है, ये इसका जो डायमेंशन है 90 से 95 mm, इसलिए लगा कि मान लो कि अगर बीच रास्ते में अगर कहीं अगर बीच स्प्रिंग टूट जाती है सेकेंडरी की, तो इस पर अपना आ करके एक मतलब दूसरे स्टेशन तक, जैसे बीच में हो गया था उसी स्टेशन तक हम ले जा सके इमरजेंसी में। हाँ, यही देखने के बाद भी देखो ये क्रॉस ट्यूब है, ब्रेक सिलेंडर है, और ब्रेक सिलेंडर के बाद ये आ करके ये डिश वगैरह देखते हैं कितना करते हैं। ये मतलब D2 में हम चेक करते हैं सारा। हाँ, D2 में और D3 में एक चीज और करते हैं, ये सब D2 में ही करते हैं। D2 में करते हैं। हाँ, ठीक। D2 तो ऑलरेडी है ही। ठीक। और जो ये गैप वगैरह देखते हैं ना, ये D3 में देखते हैं। अच्छा, जो ब्रेक डिश और ब्रेक पैड के बीच की जो गैप देखते हैं D3 में अनिवार्य है। अच्छा, वो देखते हैं। तो अभी जो आपने जितना बताया वो सब D2 में देखा जाता है। हाँ, ये D2 में देखा जाता है। अच्छा, ये डंप वाल है जो हमने लिखा था 4। हाँ जी, 4 लिखा है। 4 होता है, 4 होते हैं। अब एक कोच में 4 डंप वाल, एक कोच में 4। सर काम क्या होता है? बता रहा हूँ, जैसे हमारे 4 डिश है, एक बोगी में 4 ब्रेक सिलेंडर लगे। हाँ, ठीक है, तो 2 ब्रेक सिलेंडर के बीच में एक लगा, दो ब्रेक सिलेंडर लगे। सही है, ठीक है। अब 2 सेकंड पहले इसका ब्रेक लग गया, 2 सेकंड बाद में इसका ब्रेक लगे,
तो क्या होगा, होगा ना गड़बड़। तो ये क्या करता है, इन दोनों को नेगेटिव और पॉजिटिव को महसूस करता है, यानी इसका कारण ये कि एक साथ ब्रेक लगाना और एक साथ हाँ रिलीज करना। अच्छा। और दूसरे ब्रेक लगाने में कभी ब्रेक लगाता छोड़ता, लगाता छोड़ता, ऐसे करता जैसे ये वाला इधर का हो गया तो ये अगले चक्के का होगा। हाँ, एक नंबर दो लग गया, दूसरी नंबर पे लग गया, ये चार दिन हुई, एक दो तीन चार, एक ही एक्सल पे दो ब्रेक, ब्रेक सिलेंडरों के बीच में एक लगा, दूसरे पे दूसरा लग गया। अब आगे चले जाएंगे तीसरे पे दो और मिल जाएंगे, दो और चौथे पे एक, यानी चार 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 हो गए। चार अगर इसमें कोई भी खराबी आ रही होगी तो वो इंडिकेट करेगा उसी मदरबोर्ड में। हाँ, इसकी खराबी आएगी क्या, स्पीड सेंसर का हो या डंप वाल का हो, सब हम मदरबोर्ड में मदर मोड में ही चेक करेंगे, उसको चल के हम आपको बता देंगे बिल्कुल कैसे होगा। ठीक ठीक, वहीं से हम चेक करेंगे, बाकी यहाँ नीचे कुछ नहीं होगा। अब आगे ट्रैक्शन सेंटर और ट्रैक्शन सेंटर सेंटर पिवट का, ये देखो ये ट्रैक बम्प स्टॉपर, बम्प स्टॉप मतलब बम्प स्टॉपर, बम्प स्टॉपर एक ट्रैक्शन और एक लेटरल। ठीक, ये ट्रैक्शन का मतलब आमने सामने, ठीक से ये 6 से 13 में बताया गया तेरा। अच्छा, ये गैप है ना, ये गैप। ठीक ठीक, हाँ ऐसे ही आगे हो, ठीक ट्रैक्शन आमने सामने हो गया दोनों साइड, और लेटरल का ये हो गया। ये क्या, ये देख रहे इधर एक इधर, हाँ हाँ गैप है ना, हाँ ये 25 mm होता है, 25 mm ये अंदर वाला ना ये, हाँ ये। ठीक, इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी बोगी ये तरफ कैसे शिफ्ट तो नहीं हुई है। अच्छा, मतलब अलाइनमेंट खराब तो नहीं हुआ है। अगर मान लो कि अगर एक तरफ हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो क्या आएगा, हमारी बॉडी जो है इधर मूव करेगी, हाँ चलिए। तो और कहें क्या अलाइनमेंट इसका खराब है, जाके वहाँ प्लेटफॉर्म पे जो इंडिकेटर वगैरह लगा सारा घिसता जाएगा, मैंने इसे सेंटर जो भी है, वो बराबर होगा। ये फोनिक व्हील 21 mm पे टॉर्किंग होता है, ये वाला 21 mm पे, 21 nm ओके, न्यूटन मीटर। ठीक है, ये इसका बेयरिंग है, इसको देखते हैं कि हॉट एक्सल, मतलब हॉट एक्सल तो नहीं हुआ है कि ग्रीस तो नहीं। अच्छा, हॉट एक्सल हो जाए तो क्या इसकी पहचान क्या, जैसे ये हॉट एक्सल है, ग्रीस बाहर देने लग जाएगी ये, है ना ये। अच्छा, ग्रीस जो है बाहर आ जाएगी, तो ये हॉट एक्सल होगा, गर्म होगा, बाहर आके यहाँ से होने के बाद यहाँ से बहने लगेगी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, इसको तो इससे करते हैं, इसको कितने टॉर्चिंग से भी खोला जाता है, इससे भी करते हैं, लेकिन इससे करते हैं हम कितने पे, 540 बोलता है ना, ये जनरल 540 साठ का बोल्ट है, 20 साठ का बोल्ट है। अच्छा, और जो हमारा 16-17 का है, जो ये वाला है, ये है 16-90 का, 16-90 का, 16-70 का, पर ये 16-70 का, ये 16-70 का, ये 16-45 का, 16 का डाया लंबाई में 45 सारे। अच्छा अच्छा, और ये 8-25 का है, ओके 8-25 का होता है। अच्छा अच्छा, तो इसमें हमने खोल लिया, अब आप इसको क्या करेंगे, अब जिसमें आपने देख लिया, अब हमने ये चेक कर लिया कि हमारा ये मतलब जो इसके अंदर पार्ट्स लगे सब एक तरह से रूप से पड़े। देखो भाई साहब, यहाँ से आप टेम्परेचर देखोगे नॉर्मली, एक तो ज्यादा होगा बिल्कुल, यहाँ से ग्रीस लिक्विड बहेगी बहेगी, खोलोगे आप ग्रीस हो रही होगी, आप हाथ लगाओगे ना दिक्कत होगी, तो करिए कुछ कटाफट होगा, अपने आप पता लग जाएगा। अभी ये ओके है, ये ओके है, अभी से आप ढक देंगे आपको, इसको टॉर करते हैं 21 mm पे, देखा। हाँ हाँ, अभी किया है, किया है 21 mm पे भी टॉर करते हैं। विलेज में 80 ग्रो होते हैं, 80 दांत होते हैं, 80 टोटल गिन सकते हैं। अच्छा, हमने भी गिने 80 दांत होते हैं। और ये जो अंदर ये लगी हुई है क्या, ये बेयरिंग है, यही तो बेयरिंग है। अच्छा, बेयरिंग है, दो ही चलने आज, ये सब चिमकन का। इसको ओपन लाइन में खोलने का है, आप ओपन लाइन में खोल के इसे चेक कर सकते हैं, D3 प्रोसेस। हाँ, यदि आपको D3 में करते हैं, D3 में करते हैं, D2 में नहीं करते, खोलते हैं। अगर आपको इसके ऊपर डाउट है कि हॉट मतलब बहुत गर्म हो चुका है, तो आपको डाउट है तो आप इसको खोल के और चेक भी कर सकते हो कि हमारा ये ठीक है या नहीं। अच्छा, कहाँ से बोगी ये चीज हो रही है, यहाँ से पता चलेगा, बाकी बाहर से हमें कुछ पता चलेगा। ये लीवर, ये सेंटर पिवट का लीवर, ये लीवर, इसमें एक एंकर लिंक लगा हुआ है, एक ये है जो कोचो में एंकर लिंक लगा हुआ है, वो चीज है, एंकर लिंक है, ये है एंटी रोल वाल्व, और इसमें
एक लग करके ऊपर चला गया। नब्बे से पंचानवे ये सोकर जो इसमें इधर लगा तो उसके एंटी तरफ लगा होगा, दूसरी तरफ लगा होगा। ओके एक ही लगा, एक ही लगेगा, दूसरी तरफ जाओगे तो उस तरफ इधर लगा मिलेगा। ये मतलब एक बोगी में ये दो ही होते हैं। हाँ बाकी देखो ब्रेक सिलेंडर ये कैलिपर क्लीन करके तेल डाल गया ना ये। ये जो भी ये जो नट ढीले नहीं होने चाहिए ये सब हम चेक करते हैं। हाँ यही हम देखते हैं कहीं अगर जंग आ, ये हम सारे प्रोसेस में चेक करते हैं। डी वन डी टू थ्री के जी, थ्री के जी, थ्री के जी। और समय वही, समय वही है पंद्रह से बीस सेकंड। हाँ पंद्रह से बीस सेकंड ही रिलेटिंग टाइम, लेकिन इसमें प्रेशर जो है उसमें 3.8 kg जाता है, इसमें 3 रहता है, इसमें 3 kg जाता है, बस यही आता है। बाकी डिश है, डिश में हम ये क्रैकनेस देखते हैं। अच्छा कहीं से उठाना, कहीं से क्रैकना, ये जी में वैसे ही आंखों से देखते हैं कि इसके लिए कोई और डिवाइस है, कैसे नहीं आंखों से देखते हैं। अगर नहीं हुआ तो वो ग्लास आता है, अच्छा ग्लास नहीं आता बड़ा होकर, मेरे भाई ग्लास है। चलो हाँ हम अंडरगेट ठीक है, रेसिपी के मतलब सिस्टम में है ये, इसको हम वर्क करा के देखते हैं, बजा कर देखते हैं बज रहा कि नहीं बज रहा। अगर नहीं बज रहा तो गड़बड़ है। फिर आइए यहाँ, ये एक्सीलेटर वाल्व है, इसमें यहाँ से लीकेज हो जाता है जी, इसको लीकेज हम देखते हैं जी कि लीकेज तो नहीं कर रहा। ये एक्सीलेटर वाल्व लगा हमारे बीपी पाइपलाइन में लगा हुआ जी। और ये इसलिए लगा है कि जैसे हम इमरजेंसी में अगर ब्रेक लगाता है ड्राइवर तो ये बीपी प्रेशर यहीं से ड्रॉप कर देगा, यानी सभी कोचों का एक साथ ब्रेक लगना है इमरजेंसी में। इसके बाद इधर आइए, ये है हमारा एआर टैंक, ये है 125 लीटर का, ये है 75 लीटर का। ठीक तो जो 125 लीटर का है ये एयर ब्रेक सिस्टम में काम करेगा, और ये जो 75 लीटर का है सीडीटीएस के लिए है, सीडीटीएस के लिए। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से ये ड्रेन कॉक है, यहाँ से एयर ड्रेन करते हैं, कभी कभी इसमें पानी निकलता है, मॉइस्चराइज बन जाता है, तो यहाँ से हम ड्रेन करते हैं, यहाँ से इसको ड्रेन कर देते हैं, सारा फिल्टर हो जाता है। इसके बाद ये है पानी का टैंक, ये पानी का टैंक है, इसको सारा टैंक हम खाली करते हैं। ये जो है यहाँ जाली लगी होती है, कभी कभी ये जाली जाम हो जाती है। अच्छा ये जो है ना ये यहाँ एक जाली लगी होती है, जाली से छन करके पानी ऊपर जाता है, तो ये जाली जाम हो जाती है, यहाँ से ये खोल करके, तो ये जाली का काम है पानी छन के जाना, पानी छन के जाना। तो इसको खोल करके हम इसमें जाली निकाल करके साफ करते हैं, साफ करेंगे और यहाँ से पूरी जो है ना ये पानी का ड्रेन कर देंगे, पूरे टैंक खाली करेंगे, पूरा टैंक खाली करेंगे। हाँ पूरा टैंक खाली होगा, ये भी D2 प्रोसेस में। हाँ हाँ D2 में ठीक, सब पूरा टैंक खाली होगा। अंदर घुस जाओ ना, बाहर से कर रहा तो है, ये कैलिपर पूरा साफ करेंगे। इसके बीच 80 है ये, 80 दांत है। और ये देखो ये प्रोब लगाना, ये अंदर नहीं देखो, ये घुमाना इसको उठाना, ये देखो ये प्रोब है ना, ये प्रोब है इसके और इस दांतों के बीच की दूरी है वही नोर का है 0.9 से 1.4 mm और साहब का 1 mm से 2 mm, तो उसी को हम मेंटेन करते हैं यहाँ से इन्फेक्शन बोल्ट से। अच्छा इन्फेक्शन बोल्ट से यही मेंटेन करते हैं। इसको खोलेंगे ना, यहाँ खोलेंगे तो हमारे पास फिलर गेज है, फिलर गेज से हम नाप करके देखते हैं। अच्छा अच्छा कि ज्यादा कम है, तो यहाँ से हम मेंटेन करते हैं सिम डाल करके, यहाँ सिम डलती है।
ये देखो भाई साहब, ये ना ये फोनिक व्हील है, इसमें जो ये तीन स्टर लगे हुए हैं ना, इसको 21 न्यूटन मीटर से हम टार्क करते हैं ठीक, इसको ठीक। और ये सारा देखेंगे, इसके बाद ये देखेंगे यहीं से ग्रीस तो नहीं आ रहा, तो ये चेक करेंगे ठीक। बस ये एक्सल बॉक्स से ग्रीस तो नहीं आ रहा, बस ये इतना देखते हैं ठीक। आई सप्लाई देखना, ये दिख जाएगा, अपने लाइट नहीं आ रही है, इसमें गड़बड़ है, ऊपर से लाइट नहीं आ रही है, अरे कार्ड एमबी कार्ड भी बदल के देख लो यार, अरे जी जी वन कार्ड है ना, और क्या ये भी तो हो सकता है, दूसरे में निकाल के लगा दिखा दो, नहीं यार तो बदल के चेक कर ले, दूसरे पर दिखा ले बराबर आ गई, ये 11 हो तो 21 भी बता रहा, अरे अभी तो कैसे याद आ रहे, बंदा भी दिखा लिया समझ में ना, 21 बताओ 31 बताओ है क्या, हाँ यही 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 गड़बड़ है, राम जी मार तो दे, मार तो दे भाई, मार तो भाई, अगर मार तो उसके पास रह जाएगी क्या, मेरे पास के गांव की ये बात है दीपक के, ये छोटा ले लेंगे, छोटा ना निकलेगा, अरे इससे ना निकलेगा भाई, नहीं इसमें कोशिश करके ऐसे निकलना, अरे क्या कोशिश करोगे ऐसे निकाल रहे हो, नहीं निकलेगा साहब, नहीं निकलेगा, मार तो लिया, मार तो लिया, 170 न्यूटन मीटर से, हाँ ये 9 बोल्ट होता है इसका, चार ये चार ही एक एक सोकर का, एक सोकर वाला कर दिया नीचे वाला, वो और निकाल के इसको निकाल दे, चलो ठीक है, मैं फिर से शुरुआत करूंगा ना, मैं कर दिया होगा, इसमें जलती बत्ती जलती है, अच्छा अभी लगा दिए क्योंकि ये सही सही सेंसर है, अब लगाए फिर भी नहीं ठीक हुआ, इसका जो कार्ड है जीवन कार्ड, जीवन कार्ड वो जीवन कार्ड बदल के देखेंगे क्योंकि उसमें भी फॉल्ट आ जाता है, अच्छा तो ये बेशक सही हो उसमें फॉल्ट है तो गड़बड़ी दिखाएगा, अब उसको लगा के हम देखेंगे, अगर नहीं ठीक होता है तो फिर ये वायर देखेंगे कहीं ब्लॉक तो नहीं हो रहा, कहीं जला तो